एक शब्द में कहूँ ना, अगर फिल्म तो यार फिल्म इज जस्ट फैंटास्टिक यार। मेरे ख्याल से अभी बॉलीवुड को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस मूवी से। अरे बहुत अच्छी मूवी है, बाप बेटे का प्यार है ये मूवी में। मैं कहना चाहूँगा जवान और पठान भी इसके नज़दीक नहीं है, कोई भी इसके नज़दीक नहीं है, मूवी आउट ऑफ द बॉक्स है। बहुत बढ़िया मूवी थी, मस्त। रणबीर कपूर का बहुत बढ़िया था, डायरेक्शन बहुत बढ़िया था, बॉबी देओल का इतना रोल नहीं था बट इट वाज गुड। स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए, स्टोरी लाइन डायरेक्शन बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ट्रेलर से तो बहुत अच्छी थी, ट्रेलर लग रहा था सब बता दिया बट बहुत कुछ है ऑफर करने का। बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा डेब्यू था। देखने को मिला है रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, कैसा लगा आपको? काफी अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। और मेरे ख्याल से अभी बॉलीवुड को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस मूवी से। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, सिनेमेटिक भी बहुत अच्छे थे। मेरे ख्याल से बॉलीवुड में बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी आई है कि जो इतना तहलका मचाने वाली। कैसा लगा आपको? बस बाप बेटे का प्यार। बात करना चाहिए आपको रणबीर, रश्मिका मंदाना, रणबीर बॉबी देओल, रणबीर बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बड़ी। कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छी मूवी है, बाप बेटे का प्यार है। स्टोरी लाइन हो गया, साथ ही बात करें डायरेक्शन को लेके किस तरीके का लगा आपको? स्टोरी मतलब उसको देख के ना जिनके पिताजी ने, उनके पिताजी की याद आ जाती है। ओके, एंड अगर 5 स्टार में से अगर आपको रेट करना रहे तो कितना रेट करेंगे? तो 10 दूंगा मैं, क्योंकि बाप बड़े से प्यार कुछ नहीं। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि एनिमल देखा आपने, कैसी लगी आपको मूवी? इट्स फेनोमिनल, बहुत क्रेजी मूवी है। प्लीज़ जाके थिएटर में ही देखिए, घर पे वो एक्साइटमेंट चला जाएगा, और बहुत जल्दी देखिए। एंड एक्टिंग बाय रणबीर, बॉबी, ईच एंड एवरी वन, सौरभ सचदेवा, वॉज फेनोमिनल जॉब। बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, सबसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर अगर किसी ने बनाया स्क्रीन पे तो कौन था इतने सारे लोगों? रणबीर, रणबीर नो डाउट, रणबीर पूरा सिनेमा उसके ऊपर है। एंड इट्स बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, आई वोंट गिव अ स्पॉइलर, बट बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी। साथ ही इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद अगर कोई एक किरदार जो कि इम्पैक्ट बना पाया हो पूरी स्क्रीन के ऊपर, कौन? वो रणबीर कपूर ही बना है, रणबीर कपूर ही बना है, लोग पागल हो जाएंगे उसको देख के। हां सही है, उसने बहुत अच्छे स्किल्स, पर्सनालिटी। कुछ दिनों पहले काफी वायरल हो रहा था जहां पे शाहरुख सलमान बात कर रहे हैं क्या हमारे पास भी टेक ओवर कर पाएगा, एंट्री होती है रणबीर कपूर कर सकता है, रणबीर कपूर ये मूवी में। मैं कहना चाहूंगा जवान और पठान भी इसके नजदीक नहीं है, कोई भी इसके नजदीक नहीं है, मूवी आउट ऑफ द बॉक्स है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी फिल्म के अंदर में बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो हर फिल्म के अंदर में अलग दिखते हैं, इस फिल्म में जो नॉर्मल सी बात को भी ना बहुत नॉर्मल तरीके से दिखाया गया, तो वो बड़ा अच्छा था। और बॉबी देओल की जैसे बात कर रहे हैं, बॉबी देओल जैसे हैं, बॉबी देओल तो फिल्म के सरप्राइज पैकेज है जो कि ट्रेलर में भी उनको छुपा के रखा हुआ है और इस फिल्म में भी उनको छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। और रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। एक शब्द में कहूँ ना, अगर फिल्म तो यार फिल्म इज जस्ट फैंटास्टिक यार। पिक्चर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और रही बात के जैसा रोल करा इन्होंने, मतलब सीन जो सीक्वेंस बनाया है ना वो लेवल ख़त्म, मतलब ऐसा होना चाहिए। ये मेरे को लग रहा है KGF और जितनी भी अदर पिक्चर हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ देगी। मेरे को दोनों का बढ़िया लगा, रणवीर का भी और बॉबी देओल का भी। और लगा लो लेकिन बॉबी देओल का बुढ़ापा दिख रहा है, पर उसमें बॉडी तो थोड़ी और बनानी चाहिए। रणवीर कपूर का ऑब्वियसली बहुत अच्छा रोल था इसका, बहुत अच्छी मूवी बनी है, बहुत अच्छी लगी देखने। गाने ठीक है, देखने में सही है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, मूवी अच्छी है, कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर है। रणवीर कपूर पिक्चर बहुत अच्छी है, सुपर हिट है, रणवीर कपूर की बहुत अच्छी एक्टिंग है, और आने वाले कुछ समय में इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। अगर बात करें गाने की तो कैसा गाने? गाने इसमें बहुत कम है, गाने कोई इतने ज़्यादा नहीं है, एक दो गाने ही हैं इसमें। काफ़ी वायलेंस है मूवी में, तो क्या बोलूँ मैं। नहीं गाने तो नॉर्मल ही हैं, गानों में ऐसा इतना कुछ खास नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा ही लेवल पर चली गई है।